हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 301 टू 350। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 301। अ ट्रेडर बॉट 10 केजी ऑफ एप्पल फॉर रुपीज 405, आउट ऑफ विच 1 केजी ऑफ एप्पल वर फाउंड टू बी रॉटन। इफ ही विशेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो 405 तो उसकी टोटल कॉस्ट आ गई, अब जो खराब हुए उससे मतलब नहीं है। नाउ वी वॉन्ट टू सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ इंटायर। ओके, तो देखो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, अब इसको बेचना, एक किलो तो बेकार हो गए, सो ही विल सेल 9 केजी। सो 9 से 9 4 जा एंड 9 5 जा, सो सेलिंग प्राइस क्या। अच्छा, अब एक डेसिमल तो आने जाने, तो केवल एक ऑप्शन पॉसिबल बी, ठीक है, मतलब इस तरह आप कर सकते हो, आसान हो जाएगा। अ डिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्ड परचेसर टू ऑब्टेन 4 केजी मोर फॉर ₹100, द रिड्यूस प्राइस। देखो 20% ऑफ 100, ये बहुत बेसिक लॉजिक होता है, इक्वल न्यू प्राइस ऑफ 4 केजी, क्योंकि जो कमी हुई है वो इस 4 केजी के एक्स्ट्रा मिल रहा है उस कमी कारण। तो 20% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 4K। तो न्यू प्राइस ऑफ 4 केजी इज इक्वल 20, तो न्यू प्राइस ऑफ 1 केजी इज इक्वल 5 रुपीज। देखो आपको रिड्यूस पूछा, मतलब न्यू प्राइस पूछी हुई, आंसर हो गया 5 रुपीज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 303। इफ द कॉस्ट ऑफ पिन्स रिड्यूस बाय 4 per dozen, 12 मोर पिन्स कैन बी परचेज फॉर ₹48। देखो इन दिस क्वेश्चन आपको प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ, तो इसमें सिंपल होता है, जो भी टोटल अमाउंट है 48 और जो रिडक्शन हुआ है इससे डिवाइड कर लो, दिस वुड बी द प्राइस ऑफ एक्स्ट्रा जो आप ऑब्जेक्ट ला रहे हो, प्राइस ऑफ 12 पिन्स न्यू प्राइस। सो न्यू प्राइस ऑफ 1 dozen पिन इज इक्वल 12, तो ये हो गया आपका आंसर। अब जरा इसको एक इंटरेस्टिंग वे में समझ लेते हैं, प्राइस अमाउंट एंड नंबर ऑफ पिन्स। देखो 12 रुपीज प्राइस, अब 48 में आप कितना ला पाओगे, 4 dozen लाओगे, और बिकॉज दिस इज रिड्यूस प्राइस, नो रिड्यूस डिडक्शन से पहले प्राइस थी 16 रुपीज, सो 48 में आप कितना लाओगे, 3 dozen। तो देखो यहां पे 4 रुपीज प्राइस डाउन हुआ, यू आर एबल टू परचेज 1 dozen एक्स्ट्रा। ओके, तो जब भी प्राइस में डिडक्शन दिया तो आप सीधे डिवाइड कर लोगे, आपका रेशियो आ जाएगा। अ ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय 100, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 5%। देखो यार लॉस और प्रॉफिट और डिफरेंस कितना 100, तो यहां पे डिफरेंस हो गया कितना 25% ऑफ सीपी इज इक्वल 100, सो सीपी वुड बी 400, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस बाय 25%, अ पर्सन कैन बाय 2 more erasers फॉर ₹1, हाउ मेनी इरेजर आर अवेलेबल फॉर ₹1। नाउ देखो 25% ऑफ ₹1 इज इक्वल न्यू कॉस्ट ऑफ 2 erasers। नाउ दिस इज 1/4, रुपीज 1/4 में आप 2 erasers ला रहे हो, तो ₹1 में कितनी आएंगे इरेजर, इट वुड बी 8, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ एप्पल वुड इनेबल अ परचेजर टू गेट 2 kg मोर एप्पल फॉर ₹240। नाउ 15% ऑफ 240 इज इक्वल न्यू प्राइस ऑफ 2 kg। Now this is 15/100 into 240. Now 5 3 जाए, 5 2 जाए, now 12, 36. New price of 2 kg is 36. Now new price of 1 kg, it is 18 rupees. Answer is B option. Okay, next question. An increase of 20% in the price of mangoes enable a person to purchase 4 mango less for ₹40. Now 20% of ₹40 is equal new price of 4 mango, right? Now 20% nikalo iska, 8 rupees. Rupees 8 is the price of new price of 4 mango. So new price of 1 mango is equal 2 rupees. Now we have to calculate
the price for 50 mango before increase. So this is what increased price. Let old price be x rupees. So isme increase hua 1.2. So this is 2. X is equal to 2 by 1.2. This is what price of 1 mango. So price of 15 mango would be 2 upon 1.2 into 15. This is 4 5 ja 4 3 ja 3 5 ja 25 rupees is answer. Answer is D option. Next question. The reduction of 12 in the selling price of an article will change 5% gain into 1/2% loss. इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना है 7.5% ऑफ सेलिंग प्राइस सीपी इज इक्वल 12. तो सीपी वुड बी 12 इंटू 100 बाई 7.5 या 7.5 में डेसिमल डालो 1000 हो जाएगा. ये हो गया 3 4 या 325 एंड 25 40 टाइम. सो 160 इज द आंसर बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेडमैन मार्क्स इज गुड at 25% above the cost price. If he reduce the mark price by 12.5%, then his profit will be. Okay. Let देखो अब इसको करने देगा CP selling price and mark price. Now let CP be 100. He marked 125 because 25 अब mark किया. अब उसने 12.5 का deduction किया है. मतलब अब उसकी जो selling price हो गई वो 125 into 0.875. ठीक है. अब इसको multiply करते हैं तो क्या? Now it would be 109. अच्छा इसका मतलब 9 आंसर आएगा और केवल एक ऑप्शन 9 में है. अच्छा एक और चीज समझो आप. मैं क्या करता 125 लिखता हूं 1000 बाई 8 पॉइंट 8 हो जाएगा कितना 875 बाई 8 तो 109 पॉइंट और 3 बाई 8 तो आपका आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन. तो ये सब कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है जो आपको जल्दी जल्दी करनी है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. A man wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss for 480. At what price he want to sell it to? देखो यार, 480 में उसको 20% loss है, तो 0.8 कर लो आगे CP, and he want to sell it at 20% profit. तो ये हो जाएगा 6720. He want to sell it at 720. ये option. देखो आप बहुत कुछ सोच लेते हो, लेकिन थोड़ी हो पाता है कि आप कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने में बेच पाओगे. Now, if a man estimate his loss at 20% of the selling price, then his loss percent. Now, देखो, let selling price be 100. He estimate loss on selling price 20%. तो loss 20 का है, CP हो गई 80. So, his loss percent. Because loss तो 20 है upon 80 into 100. His loss is 25%. बड़ा important होता है जब आपको selling पे दिया तो आप selling को 100 मान लिया करो. उससे आपका percentage loss आ गया. आप इसको solve करके आप क्या CP निकाल लोगे. Next question. If three toys are sold at the cost price of four toys of the same kind, the profit will be. Cross multiplication method. Four toys CP let 1 and three toys SP is also equal to 1. Now cross multiply kar lo. 3 rupees ki sales 4 mein sell ki profit percent would be 1/3 into 100 or 33 whole 1/3. B option. Okay, next question. A house worth rupees 1,50,000 is sold by X at a 5% profit to Y. Y sell the house back to X at a 2% loss. Then in the entire transaction. Okay. देखो यार 1,50,000 का house था, इसने बेचा कितना 5% profit पर. तो कितने का पड़ा इसको 15000 into 1.05. Now once we solve this, we get 115.75. तो $1,57,500. This is what? इसको यहां से 7,500 मिल गया. अच्छा दोबारा जब इसको मिला है वापस तो ये तो सीपी हो गई किसके लिए वाई के लिए. वाई ने इसको सेल किया कितने लॉस पर 2% लॉस पर. तो अब ये हो गई वापस एक्स को मिला किस रेट पर. इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.98 से. ये पड़ेगा आपको 154,350. अच्छा देखो इसको इतना मिला और इसने इसका वापस ना दिया तो उसको फाइनली कितना फायदा हुआ भाई 4350. यहां पे 157 इसको मिला था, इसने वापस पे किया 154,350. सब्ट्रैक्ट करो 0523250 चलिए 3150. तो एक्स गेन्स रुपीज 3150.
A book seller bought 200 textbooks for ₹12,000. He wanted to sell them at a profit so that he got 20 books free. 20 books free का मतलब ये हुआ कि 200 books बेचने पर उसको 180 पर उसको 200 के बराबर अमाउंट मिल जाए. मतलब अगर 200 उसका 12,000 का था तो 180 पर उसको 12,000 मिल जाए. अच्छा बराबर से काट दो इक्वल अमाउंट, तो 1-1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दिस इज 180, दिस इज 200, तो जीरो काट दो. इसका मतलब 18 का ऑब्जेक्ट 20 में सेल किया उसने. सो प्रॉफिट परसेंट वुड बी 2 रुपीज आउट ऑफ 18 इंटू 100 और इट इज 100/9 और 11 होल 1/9%. सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. By selling a table for ₹350 instead of 400, loss percent increased by 5%. So, इसका मतलब 5% of CP would be equal to ₹50 और CP would be 1000. Answer is D option. If selling price of an article is 8/5 times its cost price, इसका simple तरीका होता है जो नीचे है 8/5 cost price. तो अगर आप CP मान लेते हो 5 तो SP कितनी हो जाएगी 8 रुपीज. प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल 3/5 × 100, 60%. आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ अ ज्वेल पासिंग थ्रू द थ्री हैंड्स राइजेज ऑन द होल बाय 65%. इफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेलर अर्न 20% 25, द प्रॉफिट अर्न बाय द थर्ड सेलर. देखो यार, माना एक रुपए का ऑब्जेक्ट था, पहला प्रॉफिट 1.2, दूसरा प्रॉफिट 1.25, लेट थर्ड प्रॉफिट मल्टीप्लायर इज वी हैव टू कैलकुलेट एंड ओवरऑल प्रॉफिट इज 1.65. सो अब आप एक चीज नोटिस करो, जब हम यहां पर अगर ये ऑप्शन लेते तो ये होता 0.1.2, ये होगा 1.15, ये होगा 1.1 और ये होगा 1.05. अच्छा 1.65 इज ए मल्टीपल ऑफ 11, इसमें कहीं 11 है तो इसका मतलब 11 वाला आंसर यही हो सकता है. ठीक है ना, आप मैनेज करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन दिस इज द शॉर्टकट. यहां 1.1 होगा तो 1.65 आ पाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. ही सेल हिज गुड्स एट 12% लेस देन द फिक्स प्राइस, हिज परसेंटेज प्रॉफिट. नाउ मान लेते हैं सीपी उसकी 100 है, उसने एमआरपी कितनी फिक्स कर दी 115. अब उसने उसको 12% लेस पे बेचा, मतलब 12% डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 115 × 0.88. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 × 0.88 ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 101.2. तो प्रॉफिट कितना हुआ 1.2 या 1 होल 1/5. बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. इफ यू हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस कॉस्ट एंड सोल फॉर 80 मोर, ही वुड हैव गेन 20% द कॉस्ट प्राइस. अब देखो मैंने इसका तरीका बताया था आपको, लोएस्ट वैल्यू ये है और हाईएस्ट वैल्यू है, इसके बीच की कोई वैल्यू एज्यूम कर लो. लेट वी हैव एज्यूम 2000. नाउ 2000 इज सीपी, ही सोल्ड इट एट प्रॉफिट 10%, तो कितने का बेचेगा, सेलिंग प्राइस होगी 2200. नाउ इट इज गिवन दैट इफ यू बॉट इट एट 5% लेस, 2000 का 5% होगा 100 रुपीज, सो ही बॉट इट फॉर 1900 एंड 80 मोर का बेचता है तो ये 80 ऐड कर लो 2280. तो अब इसको प्रॉफिट 20% होता है. इसका मतलब अगर 1900 को मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूं, इट शुड बी 2280. सो 08 2280. यस, इट गिव्स द रिक्वायर्ड वैल्यू, हैंस आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, ये बहुत आसान मेथड है, इसके कई फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन लॉजिकल ये सबसे आसान तरीका है. जोसेफ सैलरी इज रिड्यूस बाय 10%. इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक टू हिज ओरिजिनल अमाउंट, इट मस्ट बी रेज बाय परसेंटेज रेज इज इक्वल 100 × परसेंटेज लेस अपॉन 100 − परसेंटेज लेस. सो दिस इज 100 × परसेंटेज लेस 10 upon 100 − 10 और 1000/90 और 100/9, 11 होल 1/9%. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. A man bought a certain quantity of rice at the rate of 650 per quintal. 20% of rice was spoiled. At what rate per quintal should he sell the remaining rice to gain 20% on the outlay? Okay, देखो इसको आप 1 quintal से मान लो, 650 पर उसको खर्चा आया 1 quintal का, and he want to sell it at 20% profit. तो इसको multiply करो, 780 उसको चाहिए. अब उसका बचा कितना है, 20% उसका अब देखो ये जो 780 कॉस्ट पाई आई 650 के हिसाब से, अगर वो 100 क्विंटल लेता लेकिन उसको 80 100 केजी लेता, क्विंटल को मैंने केजी ना लिया, लेकिन उसे बचा
80 केजी, क्योंकि बाकी तो स्पॉइल हो गया था। 80 केजी का कॉस्ट 780 होना चाहिए, तो 100 केजी का कॉस्ट कितना होगा 780, तो 100 केजी कितने बेचेगा 80/100, 0-0 कैंसिल हो गया, 624, नहीं 8/8 = 64, 8/7 = 56, सर ये होगा 100 ऊपर होगा 80 नीचे होगा, तो ये 100 0 कैंसिल हुआ और ये हो गया 7800/8, तो 8 9 जा और 8 7 जा 975, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 322, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75 एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन रुपीज। ओके देखो इस तरह क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका बताया था मैंने, 75 रुपीज में सेल करने पर उसको जितना प्रॉफिट है वही उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो देखो 40 का 40% होगा 16 जो कि 56 आएगा हमको 75, 50 का 50% आएगा 25, 75, यस इट गिव्स अस 75, आंसर इज सी ऑप्शन, आगे करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर यहां से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ इट हैड बीन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इट वुड हैव फेस्ड 35 मोर। देखो 20% और 25% डिफरेंस है 5% का, ये भी प्रॉफिट है, दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट, सो 5% ऑफ सीपी इज इक्वल 35, तो सीपी वुड बी 700, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टन प्राइस, इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज। देखो यार माना 100 का ऑब्जेक्ट था और सेलिंग प्राइस थी आपकी 120, आपने इसको डबल कर दिया 240 कर दिया, 100 का ऑब्जेक्ट अब 240, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 140%, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द स्कूटर, इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 7500 ऑन द सेल ऑफ द स्कूटर द एडवर्टाइज प्राइस वॉज। देखो यार 20% प्रॉफिट इज इक्वल 7500, इसका मतलब 100% ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो सीपी 100%, बल्कि 20% ऑफ प्रॉफिट नहीं, 20% ऑफ सीपी वुड बी 7500, तो सीपी वुड बी 3750, नाउ दिस इज अ सेलिंग प्राइस, नाउ दिस इज द कॉस्ट प्राइस, नाउ इसमें 7500 ऐड कर लो, दिस इज 45000, नाउ दिस इज सेलिंग प्राइस एंड नाउ इट इज आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस इंटू 0.9 इज इक्वल 45000, सो मार्क प्राइस वुड बी 50000, आंसर इज सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,